बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा। नाज़रीन, हम आपको बड़ी ख़बर दे रहे हैं कि जो थिएटर्स के हवाले से जो एक्शन लिया गया इस बारे में कि जो कमिश्नर लाहौर हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब ने गुज़श्ता रात जो है लाहौर डिवीज़न के तमाम थिएटर्स को सील कर दिया है और इसके बाद जो है मालकान उनको ज़ाती तौर पे होम डिपार्टमेंट ने तलब कर लिया गया है और कौन कौन से जो थिएटर्स के मालिक हैं वो आज होम डिपार्टमेंट के सामने पेश हुए। इसके अलावा और हम आपको बताते हैं कि जो 18 से ज़ायद डांसर्स थी जिनको शो का जो नोटिस थे जो जारी किए गए थे होम डिपार्टमेंट की तरफ से, उनमें से 5 जो अदाकारा हैं उनको उन्होंने माफ़ीनामा जो है होम डिपार्टमेंट को भेजा लेकिन होम डिपार्टमेंट ने माफ़ी देने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से हम तफसील से आपको बताते हैं कि कौन कौन सी अदाकारें हैं जिनको नोटिस जारी किए थे। इस हवाले से जो हमने 3 दिन पहले खबर ब्रेक की थी वर्ल्ड वाइज डिजिटल पर कि इन अदाकारों को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जोन जोन से हम बताए थे कि ये थिएटर जो है वो पंजाब हुकूमत सील करने जा रही है, तो रात गए जो है वो कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मोहम्मद अली रंधावा साहब ने लाहौर डिवीज़न के तमाम थिएटर्स जो है वो सील कर दिए हैं जिनमें लाहौर के तमाम थिएटर्स शामिल हैं, इसके अलावा शेखुपुरा के, इसके अलावा कसूर, इन थिएटर्स को उन्होंने सील कर दिया है और उन्होंने जो है 2 जो डायरेक्ट मालक हैं जिनमें अलफला थिएटर के मालिक अरशद चौधरी और महफल थिएटर के मालिक शबाज बेग को ज़ाती तौर पे जो है बुला लिया है और ज़ाती तौर पे उनसे ये हलफनामा लिया जा रहा है कि कोई भी गैर अखलाकी जो है वो थिएटरों में जो परफॉर्मेंस नहीं होगी और ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी और इसके अलावा जो गैर अखलाकी युक्तें मारी जाती हैं जो फैमिलियों में देखकर जो है वो एक शर्मनाक है जो फैमिलियों के साथ ये जो कमिश्नर लाहौर हैं उन्होंने रात को जो जिन थिएटर्स को सील किया उस हवाले से उनका कहना था कि ये हमारे मजहब में भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं और हमें ये हमारा दीन भी ये बताता है कि इस किस्म के जो मुजरे फास्ट डांस या जुकते हैं वो इसका हिस्सा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो परफॉर्मेंस जिसे देख के हम अपनी फैमिली में शर्म महसूस करें उन पे पाबंदी लगनी चाहिए। अगर इन थिएटर्स ने ये जो ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी की या गैर अखलाकी फौश जो है वो ना बंद किया तो हम इन थिएटर को सील कर देंगे। इस हवाले से जो है उन्होंने होम डिपार्टमेंट ने एक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने जब इन को लेटर जारी किए गए, इन थिएटर्स के मालकान को लेटर जारी किए गए और डांसर्स को 2-3 दिन पहले शो काज नोटिस जारी किए थे और उसमें लिखा गया था कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है आपने हमें जवाब देना है और जो मालकान थे थिएटर्स के उन्हें भी इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि जी हम कोई भी फहाश डांस या ऐसी गैर अखलाकी जो है वो एक्टिविटीज़ अपने थिएटर से ख़त्म करेंगे। लेकिन उस जब ये डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने तमाम सबूत जो है वो रिकॉर्ड इकट्ठा किया और ये रिकॉर्ड जो है इकट्ठा करके होम डिपार्टमेंट को दिया जिसमें रात गए तक उसी तरह के फहाश जो डांस थे, मुजरे थे और गैर अखलाकी जो हरकत थी, जो अशारे थे वो इसी तरह जो है मुख्तलिफ थिएटरों में जारी थे, तो उस पे लाहौर डिवीज़न के कमिश्नर जो है मोहम्मद अली रंधावा ने रात को छापा मारा और उसके बाद उन्होंने तमाम थिएटर्स को सील कर दिया गया और उन्होंने फिर जो है होम डिपार्टमेंट ने अलफला थिएटर के मालिक अरशद चौधरी और महफल थिएटर के मालिक को आश शबाज बेग को जो है उन्होंने तलब किया और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने सख्ती से इस बात पे अमल पैरा होने के लिए कहा कि अगर जो है आपने इन चीज़ों को गैर अखलाकी जो ड्रामे हैं, गैर अखलाकी जो मुजरे हैं इनको अगर बंद ना किया गया तो ये सिर्फ डांसरों पे नहीं पर्चे अब होंगे, उनके साथ साथ जो है इन महफल थिएटरों के प्रोड्यूसरों पर भी और मालकान पर भी जो है वो मुकदमात दर्ज होंगे।
और जोन सी वो डांसर्स हैं जिनका हम बता रहे थे, 18 में से 5 जो डांसर हैं उन्होंने जो है माफ़ीनामा जो है वो भेजा है, जिसमें डांसर महनूर शामिल है, अयान अख्तर, जिया भट्ट और नयाब चौधरी और शीला चौधरी शामिल हैं। उन्होंने बकायदा जो है वो माफ़ी मांगी है कि हमें माफ़ कर दिया जाए, हम आइंदा जो है ये नहीं करेंगे। लेकिन हमारे ज़राए ने बताया कि होम डिपार्टमेंट ने माफ़ी से इनकार कर दिया है। ये उनकी जवाबदेही है कि वो माफ़ करते हैं या इन पे मुकदमात दर्ज करते हैं। तो नाज़रीन, जो इस वक्त के हालात हैं वो आइंदा 2-3 दिन में जो बाकी डांसर शामिल है, जिसमें खुशबू खान है, निदा चौधरी है समेत और जितनी डांसर हैं, जिसके हवाले से हमने पहले खबरों में बता दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन हम इस बात को क्या आपको मज़ीद बताते हैं कि आज से पहले भी इस किस्म के जो हैं मुख्तलिफ हुकूमतों में इकदाम किए जाते रहे, लेकिन प्रैक्टिकली वो इकदाम ना हो सके, क्योंकि जब भी ऐसे इकदाम होते थे तो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स की सिफारिश और मुख्तलिफ सियासतदानों की सिफारिशें, जिसकी वजह से ये अमल रुक जाता था। लेकिन निगरान हुकूमत ने ये फैसला किया आज से 3 दिन पहले और उस पर अमल दरामद शुरू हो गया, और इसमें निगरान हुकूमत के जो वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब और जो वज़ीर सकाफत हैं आमर मीर साहब, उन्होंने सख्ती से होम डिपार्टमेंट को ये आर्डर किए हैं, अहकाम किए हैं कि फौरन इन पे अमल किया जाए, और उनका 2 दिन में जो है अमल होता नज़र आ रहा है। और हमें ज़राए बता रहे हैं कि जब तक इन तमाम थिएटर्स के मालकान ने, जिसमें तमासिल थिएटर है, महफल थिएटर है, लाहौर के जितने बड़े थिएटर्स हैं, और उसके अलावा कसूर और शेखपुरा, और ये भी ज़राए बता रहे हैं कि इसके बाद पंजाब भर के तमाम थिएटर जिसमें साहिवाल शामिल है, पिंडी शामिल है, तमाम थिएटर्स जो हैं वो भी सील कर दिए जाएंगे। अगले मरहल्ले में जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ज़राए बता रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में जो है पंजाब भर के जितने थिएटर्स हैं, जो फैसलाबाद में मौजूद हैं, दीगर अजला में मौजूद हैं, उनको भी सील कर दिया जाएगा, और वहाँ पे मौजूद जिन जिन का रिकॉर्ड होम डिपार्टमेंट ने जराए ने बताया है कि तमाम पंजाब भर की जितनी डांसर्स हैं उनका रिकॉर्ड, जितने प्रोड्यूसर हैं उनका रिकॉर्ड, और जो मालकान हैं उनका पूरा रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन कर लिया, बाकायदा उसके साथ जो वीडियो ऑडियो हर किस्म का जो है प्रूफ शामिल है। तो नाज़रीन, अब जो हम इस वक्त सूरत हाल चल रही है कि जो अदाकारे हैं उन्होंने मुख्तलिफ जो ब्यूरोक्रेट या सियासतदान या कुछ ऐसे अदारे जिनसे सिफारिशें करवानी शुरू कर दी हैं, लेकिन होम डिपार्टमेंट ने तमाम अदारों को जवाब दे दिया, तमाम सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिए हैं। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा। नाज़रीन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी खबर हो वो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।